हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। 2 अक्टूबर के इस डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। डेली ये क्वेश्चंस जो हैं आते हैं और इनका कंपाइलेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर आपको इसका इंपॉर्टेंस भी पता लगेगा, बहुत ही क्रूशियल ये इश्यूज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पॉकेट न्यूज़ ऐप ट्रेंडिंग के ऊपर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले से, और इन कोर्सेज रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिलेगा और यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो नंबर्स के ऊपर। बाकी सारा डिस्क्रिप्शन नीचे दिया ही हुआ है, चैट सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगा और यहीं पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा आपको, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये जो है यहाँ पर पेज दिया हुआ। नेक्स्ट है मेगालोमॉर्फ्स। मेगालोमॉर्फ्स का नाम आता है कई बार साइंस के क्वेश्चंस के अंदर। ये क्या रिलेटिवली लार्ज और लॉन्ग लिविंग स्पाइडर्स होती हैं? क्या ये 25 साल तक जी सकती हैं? और क्या ये प्रिमिटिव स्पाइडर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जिसमें टेरेंटुलाज आती है, फनल्स आते हैं, ट्रैपडोर स्पाइडर्स आते हैं? तो देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, और इस तरह का क्वेश्चन जब आता है यूपीएससी में तो अधिकतर वो सही ही देते क्योंकि इतना टिपिकल लोग याद नहीं रखते, लेकिन ये न्यूज़ में रहता है और वैसे ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी डिस्कवरीज होती रहती हैं, जैसे पिछले दिनों टेरेंटुला की डिस्कवरी एक हुई थी तमिलनाडु के अंदर, तो वो एक इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन था। ऐसे ही एक और डिस्कवरी हुई है, वो ट्रैपडोर स्पाइडर की हुई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, और ये प्रिमिटिव स्पाइडर्स हैं और 25 साल तक इनकी एज हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इडियोप्स नीलागिरी नाम से एक ट्रैपडोर है, ट्रैपडोर स्पाइडर है जिसकी खोज हुई है, लेकिन ये वेस्टर्न घाट में नहीं हुई है, ये गलत है। ये उड़ीसा के अंदर नीलागिरी नाम का टाउन है, वहाँ पर हुई है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। ओनली वन इसका राइट आंसर होगा। और ये देखिए यूनिक क्या चीज़ है इन चीज़ों इनके बारे में, ट्रैपडोर स्पाइडर के बारे में। ये अजीब तरह के और यूनिक तरह के कुछ बरो जिसको बोल सकते हैं कि वो बनाते हैं गड्ढे से और उसके ऊपर एक ट्रैपडोर बना देते हैं, और फिर वहाँ से वो शिकार करते हैं, और बहुत ही यूनिक तरह का इनका शिकार करने का तरीका भी होता है। तो ये मेनली अमेरिकाज में, अफ्रीकाज में मिलते हैं, इंडिया में इतने नहीं मिलते हैं लेकिन फिर भी मिलते हैं। तो ये ट्यूबुलर बरोस जो हैं वो बनाते हैं, और उस पर कॉक शेप की लिड होती है, तो उसके लिए काफ़ी फेमस है। तो काफ़ी यूनिक टाइप की ये स्पाइडर जो है होती हैं, और कई तरह की शानदार क्वालिटी स्पाइडर्स में मिलती हैं, आपको पता ही होगा, और स्पाइडर्स बहुत ही यूनिक होती हैं। और ये जो है मेगालोमॉर्फ, उसी के अंदर ये कैटेगरी में आती है, तो ये बहुत लंबे टाइम तक जी भी सकती हैं, क्योंकि और जो इतने छोटे इंसेक्ट वगैरह, सॉरी जो छोटे जो जानवर हैं वो इतना नहीं जीते हैं। ये देखिए इसका पिक्चर है, इस तरह का ये होता है, और ये इस तरह का ये बनाते हैं, मतलब ये तो इसमें बना रखा है इन्होंने एक बर्तन के अंदर, वैसे ये कोई ज़मीन वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन ये ऊपर जो आप इसमें एक ढक्कन सा देख रहे हो, ये कॉक का लिड ये बना देती हैं, और एकदम से छुप कर ये बाहर कुछ भी आता है तो बाहर निकल के एकदम से उसको पकड़ के वापस अंदर लेके चले जाती हैं। तो ये इनका शिकार करने का तरीका होता है, बहुत यूनिक है। नेक्स्ट, चिंपैंजी का लाइफ स्पैन क्या 25 से 30 साल का होता है? और क्या ह्यूमंस और चिंपैंजीज दोनों एक ही जीनस के दो स्पीशीज हैं? देखिए आपको पता ही है, जब हम जो क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो सबसे नीचे स्पीशीज का नाम आता है, उसके नीचे सब स्पीशीज हो सकती हैं, लेकिन स्पीशीज के ऊपर होता है जीनस, उसके ऊपर फैमिलीज वगैरह होते हैं। तो फैमिली तो एक ही है, तो सबको पता है ह्यूमंस की और चिंपैंजी की। जीनस जो है वो भी क्या एक है? नहीं, ऐसा नहीं है। जीनस हमारा होमो है, क्योंकि हमारा साइंटिफिक नाम क्या है? होमो सेपियन है, और ये पैन है इनका, इनका पैन होता है, तो ये अलग अलग जीनस हैं, लेकिन इनकी जो सब फैमिली है होमिनिनी वो एक ही है, और सबसे क्लोजेस्ट जो हैं ह्यूमंस के बताए जाते हैं जेनेटिकली। बहुत सारे जो जीन्स हैं वो हमारे सिमिलर होते हैं, और सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट यही मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका बॉडी का सेटअप है, इनके जो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो के लिए जो जिम्मेदार जीन वगैरह होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। अभी आज न्यूज़ में आया था रीटा नाम की जो है एक सबसे ओल्डेस्ट 59 ईयर्स की एक चिंपैंजी जो है, उसकी डेथ हुई है ऑर्गन फेलियर से, और उसको एम्स्टर्डम से 64 में लाया गया था 1964 में, और वो अभी तक जी रही थी। वैसे एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 40 से 50 होता है, तो ये गलत दे रखा है, दूसरा भी गलत है, तो डी नन इसका आंसर होगा, दोनों ही इसमें गलत है। बाकी इन्फॉर्मेशन बहुत यूनिक है, और इसके बारे में अगर हम देखें तो जीनस पैन होता है, और इनके काफ़ी नज़दीक होते हैं बोनोबोस दूसरे, जो इन्हीं के जीनस के होते हैं, जो पिग्मी चिंपैंजी कहलाते हैं बोनोबोस, और ये जीनस पैन है इनका दोनों का ही, लेकिन ह्यूमंस का जो है जीनस होमो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट में, और फाइलम कोडाटा के अंदर जाएंगे क्लास मेमलिया होती है, जो जिसके हम सब मेंबर्स हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स हैं इसके हम भी मेंबर्स हैं, और सब ऑर्डर हेल्प पोरनी है, और इंफ्रा ऑर्डर ही है, तो यहाँ तक सिमिलर है, फैमिली भी हमारी सेम है, सब फैमिली भी हमारी सेम है, लेकिन ये जो जीनस है पैन ये अलग है हमारा, हमारा होमो है और इनका पैन है, और पैन ट्रोग्लोडाइटस
इनका साइंटिफिक नाम है। तो ये क्या है, चिंपैंजीज हैं, गोरिल्लाज और ये सब अलग होते हैं, ये चिंपैंजीज हैं, इनकी स्पीशीज अलग है, लेकिन ये सारे ग्रेट एप्स के ही अंदर आते हैं, कैटेगरी जो होती है ग्रेट एप की। और ये नेटिव कहाँ के हैं, फॉरेस्ट और सवाना जो ट्रॉपिकल अफ्रीका का वहाँ के नेटिव हैं, लेकिन ये मिलते हैं हर जगह। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हो, बहुत सारी सिमिलरिटीज ह्यूमन से मिलती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू ये है। तो आप इसमें पढ़ सकते हो, इसमें डिटेल सारा दिया हुआ है। नेक्स्ट, ब्लू बैरन, हिमालयन टेलस, बुश ब्लू, ब्लू मॉर्मन और तमिल ह्यूमन। इसका नाम आपने पिछले ही दिन सुना होगा, तमिल ह्यूमन का और ब्लू मॉर्मन का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी था। ये क्या है, क्या ये स्पैरोज हैं, क्या ये बटरफ्लाइज हैं, क्या ये गोट्स हैं, क्या ये शीप्स हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सारी की सारी स्पीशीज हैं बटरफ्लाइज की, ये स्पेसिफिक हैं बटरफ्लाइज हैं। ब्लू मॉर्मन तो महाराष्ट्र का स्टेट बटरफ्लाई है, तमिल ह्यूमन तमिलनाडु का है, और ये स्टेट के हैं, सिंबल्स हैं इंपॉर्टेंट, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वैसे भी ये बहुत यूनिक होती हैं, एनवायरनमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं, कोई भी बड़ा चेंज आता है तो इनके हैबिटेट में और इनके तरीकों में, लाइफ स्टाइल में चेंजेस आने लग जाते हैं, जो बड़े इंडिकेटर्स होते हैं। तो अभी आज न्यूज़ जो आई है कि ये जो है इनके अंदर देखा गया है कि हैबिटेशन का चेंज हो गया है हिमालयन एरिया के अंदर, कुछ जो 2200-2300 मीटर की हाइट पर मिलती थी वो अब 3600 मीटर की हाइट पर मिल रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इशू है। और जैसे इसमें नाम आया जो एक ब्लू बैरन जो है वो एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है शेड्यूल वन के अंदर, तो लगभग 10 के आसपास बटरफ्लाइज जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और यूपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछता है। और क्योंकि स्टेट के भी सिंबल्स इनको बनाए गए हैं इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्लू मॉर्मन, ये जो मैंने आपको बताया ये महाराष्ट्र का जो है, ये इसका पिक्चर ये है, और तमिल ह्यूमन ये वाला है। बायो इंडिकेटर्स इनको बोलते हैं क्योंकि होते हैं ये बहुत इंडिकेशन देते हैं एनवायरनमेंट चेंजेस के बारे में। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, क्या ये सारे मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को कवर करता है, क्या इसके परव्यू में आते हैं। पहली बात, राजेंद्र मेनन को जो है, जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका नाम क्लियर किया गया है और वो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के नए जस्टिस होंगे। और ये जो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल है, एक्चुअल में एक एक्ट आया था 2007 में पास हुआ था, बिल 2005 में आया था और पीआरएस की वेबसाइट पर दिया हुआ है, और ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को कवर नहीं करते, जैसे कि कोस्ट गार्ड हैं और जो असम राइफल्स वगैरह हैं उनको ये कवर नहीं करते हैं, बाकी वो करते हैं। नेवी एक्ट और जो एयरफोर्स एक्ट है और मिलिट्री एक्ट है, ये दोनों 1950 के हैं और ये 57 में आया था। इनके अंदर जो कोई भी कोर्ट मार्शल वगैरह होते हैं उनकी अपील इसमें की जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके जुडिशियल मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के नहीं हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, तो ये गलत है और ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए, डी नाइन इसका आंसर होगा। हाई कोर्ट के जजेस होते हैं क्योंकि अभी चीफ जस्टिस जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के थे, सुप्रीम कोर्ट के नहीं थे। तो प्रिंसिपल बेंच इसकी दिल्ली में है, बाकी और भी जगह पर है, रीजनल बेंचेस भी हैं चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, इन सब के अंदर। और जुडिशियल मेंबर हाई कोर्ट के जज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो होते हैं वो आर्म फोर्स के लोग होते हैं और वो मेजर जनरल या फिर उसके इक्विवेलेंट जो है लेवल के होते हैं, ठीक है। ये रूल्स भी 2008 में आए थे इनके रिगार्डिंग, और ये एक्ट है 57 नेवी वाला और एयरफोर्स 50 वाला। इनके अंदर कोई भी इश्यूज होते हैं कमीशन अपॉइंटमेंट, एनरोलमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग, तो वो ये सुन सकता है जो ट्रिब्यूनल होता है। तो स्पेसिफिक टाइप के मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स ही हैं ये, और 2009 में वैसे ये जो है इनॉग्रेट किया गया था, जो उस टाइम पर हमारी प्रतिभा पाटिल जो प्रेजिडेंट थी उन्होंने ये किया था, लेकिन एक्ट 2007 का है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2009 में आए थे, ये न्यूज़ था। और इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आसाम राइफल्स, कोस्ट गार्ड, ये सब जो है उस ट्रिब्यूनल के परव्यू के बाहर रखे गए हैं, इनके केसेस ये नहीं सुनते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, ये क्या इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी है जो कि सेलेस्टियल बॉडीज के नाम वगैरह जो है साइन करते हैं, ये बिल्कुल सही है, यही इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ही करती है। और ये देते हैं एक्सपर्ट्स को, साइंटिस्ट को, और वो 10 साल का टाइम देते हैं और फिर वो उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, रिसेंटली भी एक एस्टेरॉयड का नाम जो है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, देखिए सन है, फिर जो है इसका मरकरी का ऑर्बिट है, फिर वीनस का है, फिर अर्थ का है और फिर मार्स का है, ये इनर प्लैनेट्स हैं। और फिर यहाँ पर ये जो बहुत सारे मतलब एस्टेरॉयड्स का जो एक बेल्ट आता है पूरा, उसके बाद ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब आते हैं। तो ये जो है एस्टेरॉयड बेल्ट, इसमें एस्टेरॉयड्स हैं बहुत सारे, छोटे मतलब इनके कंपैरिजन में बहुत छोटे जो हैं रॉकी पार्टिकल्स होते हैं और बॉडीज होती हैं, ये एस्टेरॉयड्स हैं। तो क्या इंडियन फिजिसिस्ट पंडित जसराज के नाम पे इसको नाम दिया गया? देखिए बिल्कुल सही है कि पंडित जसराज के नाम पे दिया गया, लेकिन ये फिजिसिस्ट नहीं है,
ये क्लासिकल सिंगर हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत फेमस हैं, बहुत अवार्ड इनको मिल चुके हैं, तो ओनली वन इसका सही आंसर होगा, दूसरा गलत है। ये मैंने आपको बताया 10 साल का टाइम देते हैं प्रपोजल के लिए, और जो प्लैनेट्स हैं उन सब का जो नाम है वो ये असाइन करते हैं। इनका 15 मेंबर का वर्किंग ग्रुप भी होता है, और ये एरिजोना बेस्ड एक टेलीस्कोप ने 2006 में एक एस्टेरॉयड ढूंढा था जिसका नाम इन्होंने पंडित जसराज के नाम पे रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पंडित जसराज ये है, इनका आपने कई बार देखा होगा, और मेवाती घराना के ये क्लासिकल सिंगर हैं, वोकलिस्ट हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिगर है इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट, सलार्डी यूनी और सलार्डी अटाकामा, ये क्या अफ्रीका में है? देखिए एक छोटा सा हिंट है, अटाकामा, अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है, और चिली और ये सब जो बोलीविया है, ये जो एरियाज है जहाँ पर आपको पता ही होगा सारा इंडीज रेंज आती है, वहीं पर अटाकामा डेजर्ट है, ड्राइएस्ट डेजर्ट माना जाता है, और ये पहला गलत हो जाएगा क्योंकि साउथ अमेरिका में है। दूसरा है, क्या गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए फेमस है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट जो एक इशू है, जब प्रेसिडेंट कोविंद वहाँ पर गए थे और बैटरीज के अंदर जो लिथियम काम आता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स हैं। दुनिया के 45% जो हैं डिपॉजिट्स यहाँ पर हैं। वैसे बोलीविया बहुत ही पुअरेस्ट कंट्री में आती है साउथ अमेरिका की, लेकिन ये एक बड़ा चांस बोलीविया के लिए हो सकता है, और यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं, ये भी उसके रिगार्डिंग हमने MOU वगैरह साइन किए थे। तो दोनों इसमें गलत है, डी नाइन इसका आंसर होगा, और ये भी यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो चिली बोलीविया ये स्टार्ट जो यहाँ पे होते हैं, बोलीविया है ये, लापाज इसकी कैपिटल है, सलार्डी यूनी ये यहाँ पर है, और जो सलार्डी अटाकामा जो है वो इधर है, और ये सारे पास पास ही हैं, और इसी जिसको बोल सकते हैं ट्रायंगल सा है वहाँ पर, लिथियम ट्रायंगल इसको बोलते हैं, वहाँ पर लिथियम के डिपॉजिट्स हैं, और बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं तीन जो हैं ये, सलार्डी अरिजारो अटाकामा और यूनी, इन तीनों पे 45% ग्लोबल लिथियम के रिजर्व्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और ई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस हैं उसमें बैटरीज की जरूरत पड़ती है, और बैटरीज के लिए चाहिए हमें लिथियम, तो लिथियम आयन हो चाहे पॉलीमर हो, लिथियम चाहिए, और वो इंडिया में इतना नहीं होता है, और वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक डील भी है। तो ये इशू है, सलाइन, वैसे ये एरियाज हैं काफ़ी ज़्यादा सलाइन बेड्स हैं यहाँ पर, और लेकिन इन्हीं के अंदर ही ये लिथियम मिलता है। नेक्स्ट, अर्थ का मेंटल जो होता है, आपको पता ही है इसकी जो सारे जो जिसको बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं अर्थ के, क्रस्ट है, फिर मेंटल आता है, फिर कोर आता है, कोर दो होता है, अंदर ही अंदर सॉलिड कोर है, उसके बाहर लिक्विड कोर है, तो ये आपको पता ही है इसका कंपोजिशन। अब अर्थ का मेंटल जो है उसका मास क्या, अर्थ का 84% होता है, देखिए 84% होता है अर्थ का वॉल्यूम, अर्थ के वॉल्यूम का 84% होता है मेंटल के अंदर, मास तो 67% ही होता है, मास इतना बड़ा नहीं हो सकता है। और गोल्ड स्मिटाइट जो है वो एक डायमंड के अंदर मिला, ये टाइप ऑफ डायमंड नहीं है, डायमंड के अंदर मिला, एक स्पेसिफिक टाइप का मिनरल मिला है जिसमें कुछ रेयर अर्थ मटेरियल भी है और कुछ और पोटेशियम वगैरह भी इसमें मिले हैं, तो ये स्पेसिफिक और यूनिक नाम का यूनिक एक मिनरल मिला है जिसका नाम एक मॉडर्न जियो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, गोल्ड स्मिटाइट। तो दोनों इसमें गलत हो जाएंगे, डी नाइन इसका आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटर कोर के बाहर और क्रस्ट तक जो है बहुत बड़ा लेयर होता है, सिलिकेट रॉक्स का बना हुआ होता है, मैग्नीशियम और आयरन यहाँ पर काफ़ी मिलते हैं, और सिलिकॉन भी यहाँ पर मिलता है अच्छी खासी मात्रा के अंदर, तो इसलिए सिलिकेट रॉक्स ये होती हैं। और वैसे विस्कस फ्लूड की तरह भी ये कई बार बिहेव करता है, क्योंकि जब इसमें मेंटल के अंदर क्या चलती हैं, करंट चलती है, मैग्मा करंट, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर कोर में है और हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड है, और वो पिघल के रॉक्स जो है वो इसमें कई जो है लहरें पैदा करते हैं, तो ये विस्कस फ्लूड की तरह भी काम करता है कई बार, तो उससे फिर वोल्केनो वगैरह जो है वो फटते भी हैं, तो वो उसका उसमें बड़ा रोल होता है मेंटल का, ठीक है। ये डायमंड के अंदर मिला है, एक क्यूरियस मिनरल है, साउथ अफ्रीका के माइन में मिला है, और मोरिज गोल्डस्मिट नाम के एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट हैं जो जिनको मॉडर्न जियोकेमिस्ट्री का फाउंडर बोला जाता है, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो डायमंड के अंदर मिला है, और डायमंड जो है 160 किलोमीटर डीप तक मिलते हैं, यहाँ पर अगर ये बाहर क्रस्ट है फिर ये मेंटल आता है, ये ऑरेंज कलर का मेंटल है, तो ये मेंटल जो है ये वॉल्यूम अर्थ का 84% लगभग होता है, और इसमें 160 किलोमीटर डीप तक अगर डायमंड्स वगैरह मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। और यहाँ पर जो जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, मोहब्रिक है, और ये जो जितने भी नाम आते हैं कोर और मेंटल के बीच में, मेंटल और क्रस्ट के बीच में, ये सब आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हैं सारे, और वैसे भी ये बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट,
एमरी आइस शेल्फ ये कहाँ पर है, इज इट देयर इन काराकोरम रेंज जो कि हिमालयाज में है, नहीं ग्रीनलैंड में, कई बार न्यूज़ आती है लेकिन ग्रीनलैंड में नहीं है, ये गलत है, एंटार्क्टिका में, बिल्कुल सही है, एंटार्क्टिका में ही है एक बड़ा ब्लॉक जो है जो 1636 स्क्वायर किलोमीटर का आइस का और 240 मीटर थिक जो एक पूरा ब्लॉक है आइस का वो सारा टूट के इससे गिर गया है। तो एमरी आइस शेल्फ जो है ईस्टर्न एंटार्क्टिका में है, तो सी इसका आंसर होगा। और जो मैंने सुबह भी आपको पढ़ाया था, ये देखिए एमरी आइस शेल्फ इस साइड है और यहाँ पर ये ब्लॉक टूट के गिरा है, इस तरह से उसका पिक्चर दिख रहा है इसे, ये बहुत बड़ा इशू है, इस तरह से इसमें क्रैक पड़े थे और बड़े एरिया में ये टूट के चला गया और 1636 किलोमीटर बहुत बड़ा साइज होता है ये, लेकिन ये टूट के गया है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, साइंटिस्ट का कहना ये है। तो ये आज का लेसन था, कल मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में और इश्यूज, आप फाइंड करते रहिए एंड थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग फॉर समिट।